channel. So I created this Indian festive look. It's a glamorous cut crease look with a mix of silver and gold, and I really hope that you will enjoy this makeup tutorial. It's an English makeup tutorial, so here I'm going to speak in both English and Hindi. So without further ado, let's get started. Hi everyone, so here I am. My skin is already prepped and aaj main eye makeup se start karne wali hu, and then I will move towards the face makeup. For my eyebrow enhancer I'm going to use this one from Etude House. Shade main mention kar dungi description mein, so don't forget to check that out after watching the entire video. And as you can see मैं किस तरीके से apply कर रही हूँ. जब मैं नीचे की तरफ line draw कर रही हूँ I am brushing my eyebrows upward, and जब मैं ऊपर draw कर रही हूँ line, then I am brushing my eyebrows downwards. And I pretty much like this product because it really gives me a natural finish. For concealer I am using LA Girl Pro, and मेरा shade है pure beige. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो इस video में, so yes this is my shade. And I love this concealer, but अगर आपका dark circle बहुत ज़्यादा है then मैं suggest करूँगी then do apply an orange corrector. So yes, I'm blending this out with the help of a Tam Beauty blender, but अगर आप चाहते हो then also you can use a concealer blender or concealer जो brush होता है वो, या तो फिर eye shadow, कोई भी एक fluffy eye shadow brush. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फिट मी फ्रॉम मेबेलिन, एंड शीट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सो व्हाई आई एम अप्लाइंग दिस वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि आई शेडो अप्लाई करने से पहले आप जब कंसीलर अप्लाई करते हो तो उसको सेट करना पड़ता है लूज पाउडर से, ताकि कोई क्रीज क्रिएट ना हो जाए और आपका जो बेस है वो एकदम स्मूथ रहे. नाउ मूविंग टू द आई शेडो पैलेट, आई एम यूजिंग फ्रॉम विट एंड वाइल्ड रोज इन द ईयर. इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट. सो आई एम टेकिंग द वाइट शेड एंड मैं इसको अपने ब्राउ बोन एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरा जो ब्राउ बोन है वो काफ़ी शार्प दिखे, स्पेशली माई आईब्रोज. ऑल राइट, नाउ आई एम टेकिंग दिस रस्ट शेड फ्रॉम द पैलेट. आई पर्सनली लव दिस. तो मैं यहाँ से ट्रांजिशन शेड अप्लाई नहीं कर रही हूँ, रस्ट अप्लाई कर रही हूँ. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ग्लैम आई मेकअप, एंड फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट यू कैन से एन ओम्ब्रे इफेक्ट बिटवीन दिस शेड एंड द नेक्स्ट शेड. सो द नेक्स्ट शेड विल बी दिस डार्क ब्राउन शेड, एंड मैं इसको स्पेशली आउटर कॉर्नर एरिया में अप्लाई कर रही हूँ. एंड एज यू कैन सी मैं इसको पहले डैप कर रही हूँ, एंड देन आई एम मूविंग माई ब्लेंडिंग ब्रश इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिरेक्शन. आफ्टर देन दैट आई विल टेक अ फ्लफी आई शेडो ब्रश एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद द रस्ट शेड, सो दैट कोई भी किसी भी तरीके का हार्श लाइन ना रहे एंड काफ़ी स्मूथ सा फिनिश आए. After than that, मैं एक Pro Art का ब्रश ले रही हूँ. इट्स अ वेरी टाइनी ब्रश, एंड इसमें मैं वही LA Girl Pro कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस दैट वेन आई विल अप्लाई द ग्लिटर आई शेडोज, तो वो काफ़ी एक क्लीन एंड वाइब्रेंट लुक क्रिएट हो सके. ओके, आफ्टर अप्लाइंग द कंसीलर आई एम अगेन टेकिंग दैट वाइट शीट फ्रॉम द पैलेट एंड अप्लाइंग इट ऑन टॉप ऑफ द कंसीलर, ताकि कोई क्रीज क्रिएट ना हो. ओके, एंड आफ्टर देन दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस वन फ्रॉम परफेक्ट 9 निका के. And as you can see the colors are absolutely gorgeous, and I am taking this warm golden shade, and इसको मैं अपने eyelid के middle portion में apply कर रही हूँ सबसे पहले, and not in my inner corner area. और इसको apply करने के बाद I am going to blend this out slightly with the brown shade. Okay, and after blending this out I am going to take the silver shade from the palette, and I'm applying this silver shade in my inner corner of the eyelid, so it will create a beautiful transition like from silver to gold to brown. Just look at it, isn't it looking gorgeous and too festive. All right, now moving to the eyeliner, I'm going to use this one from Maybelline Colossal Liner. So मैंने अपना जो टेप है वो मैंने रिमूव नहीं किया है, क्योंकि इट्स अ ट्रिक टू क्रिएट अ मेस फ्री विंक लाइनर ईजिली. सो या आई काइंड ऑफ लाइक इट, एंड ये काफ़ी रीजनेबल भी है, सो इट्स गुड. All right, now I'm removing my tape.
Now guys, moving to the next product. This is the first product I ever purchased from Sugar. This is the primer and I personally loved it. The quality is amazing. It's a clear formula and ye meri skin bahut jaldi se, like my skin soaked it up really within just a fraction of seconds, and it's an amazing product. For foundation, I'm using MAC Studio Fix Plus foundation in the shade NC35. So here I am taking a damp beauty blender and मैं इसको अच्छी तरीके से डैप कर रही हूँ टाइम लेके. यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, सो डोंट बी इन अ इल्यूशन कि बहुत इजीली से ब्लेंड हो जाता है. नो गर्ल, टू हैव अ फ्लॉलेस फिनिश यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन ब्लेंडिंग प्रोसीजर. ओके, ये मैं मानती हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव फाउंडेशन है. इन दैट केस इसका ट्यूब है नायका स्किन शील्ड फाउंडेशन. नाउ आई एम गोइंग टू कवर अप माई रिमेनिंग डार्क सर्कल यूजिंग द सेम कंसीलर. मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तो अप्लाई नहीं कर रही हूँ एंड इसको भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर. बट अगर आप चाहते हो आप एक कंसीलर ब्रश की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो. एंड एज यू कैन सी आफ्टर देन दैट मैं अपना जो अंडर आई एरिया है इसको बेक करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ द सेम फिट मी कंसीलर. फॉर काजल आई एम गोइंग टू यूज दिस वन इज फ्रॉम के ब्यूटी एंड इन द शेड स्पेड. ऑलराइट, नाउ आई एम इन लव विद द फॉर्मूला. लाइक दिस इज रियली अ क्रीमी एंड एन अमेजिंग फॉर्मूला. Alright, after kajal I am taking this one, this rush shade, and mixing it up with the brown shade, and मैं इसको बहुत ही हल्के तरीके से diffuse कर रही हूँ to give it a very smoky look. And after diffusing it, I realized that मैंने lip balm नहीं लगाया, so I am using a very basic lip balm from Nivea. For contouring, I am taking this palette from Wet n Wild, and I'm going to contour my cheeks first, and after contouring my cheeks I will contour my forehead, my jawline, as well as my nose. Usually मैं contour करती नहीं हूँ, मेरा जो day to day makeup routine है और जो look मैं prefer करती हूँ. But as this one is a festive look and it's a glamorous look, so yes, contouring तो बनता है. साथ में मैं nose भी contour करने वाली हूँ. Usually I to avoid it because my nose is really sharp, but yeah, I feel like ki glamorous look mein nose contour karo to aur zyada acha lagta hai. So as you can see, after one part it just create a very very nice shade. So this is the thing about contouring, you see. After contouring it, I'm going to use the banana powder from the palette to make it a more sharp finish. Alright, yeah. And next, moving to the new product I recently purchased from Sugar. So yeah, ये second product है जो मैंने Sugar से purchase किया. It's in the shade Coral Climax. And इसका जो packaging है, I am in love with the packaging. Purple color, काफ़ी sober color है. एंड ये जो कोरल शेड है ये भी काफ़ी स्वीट कलर है. एज यू कैन सी द फॉर्मूला इज़ रियली बिल्डेबल एंड इसका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है. सो इफ़ यू आर विशिंग टू परचेज समथिंग रीजनेबल देन यू कैन गो फॉर इट. नाउ मूविंग टू द हाईलाइटर पार्ट, आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम मास्टर क्रोम मेबलाइन इन द शेड आई थिंक गोल्डन मॉल्टन. आई विल मेंशन द लिंक ओके इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. ओके, वंस अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. सो आई लव टू हाईलाइट माई फेस अ लॉट, स्पेशली माई हाई एंड पॉइंट्स लाइक माई चीक, माई फोरहेड एरिया, माई चिन एंड माई नोज. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द मस्कारा, आई एम गोइंग टू यूज दिस वन फ्रॉम लोरियल पेरिस जो कि काफ़ी फेमस है. एंड एज यू कैन सी मैंने काफ़ी क्लोजअप लुक दिया है इस वीडियो में, वेर यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट डिफाइन माई लैशेज. Other than that, I am taking the highlighter from Maybelline and applying it in my brow bone area as well as my inner corner area. Though inner corner mein apply karne ke baad kuch khas difference mujhe dikha nahi. Alright, now moving to the lipstick part, my favorite and every girl's favorite part. This is in the shade Bon Bon 26M and this one is from the range Nykaa So Matte Lipstick.
सो बेसिकली ये मैट लिपस्टिक है बट मैट नहीं है, इट्स अ सेमी मैट लिपस्टिक. इट डज हैव दिस क्रीमी इफेक्ट विच आई पर्सनली लव्ड इट. सो अगर आपको एकदम मैट लिपस्टिक्स पसंद नहीं है देन यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड लुक एट दिस कलर. दिस इज सच अ लवली कलर एंड इट्स समथिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन बिकॉज आई डोंट अप्लाई ब्राउन शेड. दिस वन इज अनदर न्यू प्रोडक्ट विच आई रिसेंटली परचेज फ्रॉम फ्लावर. दिस इज अ सेटिंग स्प्रे एंड इट स्मेल्स amazing. Even the quality is really really good and I kind of like it more than Faces Canada and I am ready. So yeah, this is the look which I created and let me come up with the traditional look with all the jewelry, saris and accessories. So yes guys, this is the final result, this is the final look which I came across and I really hope that you enjoyed this entire tutorial. And if you did, then don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon so that whenever I will come up, you will get the notification. Moreover, aap log mujhe social media mein follow kar sakte ho, all the links are mentioned in the description below. So don't forget to check that out and you can follow me on Instagram. So see you soon in my next video. Till then, take care, bye bye. Love you.